नमस्कार। ये कहानी है एक ऐसे कवि की जिसने 16 महाकाव्य सहित 124 पुस्तकों का सृजन किया, जिसने अपनी पुस्तकें स्वयं के खर्चे पर प्रकाशित कराने के लिए अपनी जमीन जायदाद बेच दी, जिसने अपनी पुस्तकें पूरे देश भर में घूम घूम कर लोगों तक पहुंचाई और अपनी पुस्तकों की 5 लाख प्रतियां बेचीं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखा। जो धनराशि मिली वह शहीदों के परिवारों के लिए चुपचाप समर्पित करता रहा। महाकवि होने के बाद भी जिसकी एक आकांक्षा रही कि उसे कवि या महाकवि नहीं बल्कि शहीदों का चारण के नाम से पहचाना जाए, उन्होंने गुनगुनाया, यह सच है दाग गुलामी के उन्होंने लोहू से धोए हैं, हम लोग बीज बोते उन्होंने धरती में मस्तक बोए हैं, इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। श्री कृष्ण सरल एक ऐसा नाम जो कहने को तो मात्र एक शिक्षक किंतु मुख्य भूमिका इतिहासकार एवं साहित्यकार की रही। उन्होंने 16 महाकाव्यों की रचना कर एक अनूठा कीर्तिमान बनाया। क्रांतिकारियों की कथाओं को जन जन तक पहुंचाने की धुन में श्री सरल ने अपनी पत्नी श्रीमती नर्मदा सरल के आभूषण भी अपने ग्रंथों की भेंट चढ़ा दिए। राष्ट्रभक्ति के लिए जानबूझकर निर्धनता एवं परेशानियों को निमंत्रण दिया। सारा जीवन तंगी और संघर्षों में गुजारते हुए उन्होंने सारी संपत्ति अपने महान लक्ष्य को समर्पित कर दी। बिलासपुर में 2 दिन निराहार रहे, पैसा नहीं था, खाने का सामान कहाँ से खरीदते, क्योंकि पुस्तक नहीं बिकी, स्कूल बंद हो गए, छुट्टी पड़ गई, रोटी नसीब नहीं हुई। जब स्कूल खुले तो कविता सुनाकर, शहीदों के संस्मरण सुनाकर पुस्तकें बेची। बच्चों को संस्कार देना वे उचित समझते थे, इसीलिए स्कूल स्कूल जाकर पुस्तकें बेचकर शहीदों की स्मृतियां अमर करते रहे। 1 जनवरी 1919 को मध्य प्रदेश के अशोकनगर नामक छोटे से कस्बे में पंडित भगवती प्रसाद बिरथरे एवं यमुना देवी के यहाँ जन्मे यशस्वी श्री कृष्ण सरल में क्रांतिकारियों के प्रति अनुराग बचपन से ही था। जब राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था, भीड़ ने वंदे मातरम के नारे लगाए तो रेल में से राजगुरु ने भी नारे लगाए। यह देखकर अंग्रेज सिपाहियों ने राजगुरु को धक्का दे दिया। इस पर 12 वर्षीय बालक सरल ने अंग्रेज सिपाही के सर पर एक पत्थर दे मारा। फिर क्या था, बालक को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि अंत में मृत समझकर छोड़कर गए, क्योंकि ट्रेन चलती थी। जीवन पर्यंत उस पिटाई के घाव उनके शरीर पर बने रहे, जिन्हें वे गर्व से अपने लिए पदक मानते थे। सरल जी शासकीय शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। उनका संपूर्ण लेखन भारतीय क्रांतिकारियों पर ही है। क्रांतिकारियों पर उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें 15 महाकाव्य हैं। श्री कृष्ण सरल जी की काव्य रचनाएं जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक दुष्कर कार्य उन्होंने किया है। देश भर में घूम घूम कर भारत के अज्ञात व बेनाम क्रांतिकारियों के संस्मरण संजोने का। उनके द्वारा लिखित क्रांतिकारी कोश भारत के क्रांतिकारी इतिहास का दुर्लभ ग्रंथ है, लेकिन दुर्भाग्य से दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल के नक्कार खाने में। यह सुमधुर बांसुरी प्रचारित प्रसारित ही नहीं हो पाई। श्री सरल अकेले ऐसे कवि हैं जिन्हें अपनी क्रांतिकारी कविताओं के कारण 2 बार जेल जाना पड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में श्री सरल ने खुलकर भाग लिया। रोचक बात यह है, उनके द्वारा अनुशंसित व्यक्ति तो पेंशन पा गए, पर श्री सरल को शासन ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं माना। 2 सितंबर 2020 को 81 वर्ष की अवस्था में जब उनका उज्जैन में स्वर्गवास हुआ, तब उनकी अंत्येष्टि में शासन प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि तक नहीं पहुंचा। आज हम क्रांतिदूत पर उनके द्वारा लिखित क्रांतिकारी कोश के अमूल्य खजाने से ही एक अमूल्य रत्न सूफी अंबा प्रसाद की जानकारी आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। समय समय पर अन्य अल्प चर्चित या गुमनाम क्रांतिकारियों के प्रसंग भी साझा करते रहेंगे। इस प्रकार हम सरल जी को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। वर्ष 1858 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद नगर में यानी 57वीं क्रांति के अगले ही वर्ष एक बालक ने जन्म लिया।
यह बालक जन्म से ही लूला था, अर्थात उसका दाहिना हाथ नहीं था। बड़े होकर वह उसी हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा करते थे, क्या करें भाई, बात यह है कि 57 की क्रांति में अंग्रेजों से लड़ते समय मेरा हाथ कट गया था, फिर मृत्यु हो गई, दूसरा जन्म भी शीघ्र ही मिल गया, परंतु मेरा दाहिना हाथ कटा का कटा ही रहा। यह व्यक्ति थे पंजाब के महान क्रांतिकारी सूफी अम्बा प्रसाद। इन अम्बा प्रसाद की समाधि आज भी ईरान में मौजूद है, जहां उस समाधि पर चादरें चढ़ाई जाती हैं, मनौती मांगी जाती है। प्रतिवर्ष उस स्थान पर ईरानी जनता उर्स करती है, जिसमें भारी संख्या में लोग शिरकत करते हैं। ईरान में सूफी जी को लोग आका सूफी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस भारतीय क्रांतिकारी ने ईरान के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था और वहाँ जेल में ही उन्होंने योग समाधि ली। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए कि भारत में यह क्रांतिकारी लगभग गुमनाम है। आइए आज उन्हीं के जीवन पर कुछ नज़र डालें। अम्बा प्रसाद जी ने बरेली और जालंधर से एमए के बाद वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन वकालत करने के स्थान पर पत्रकारिता को अपनाया और सन 1890 में मुरादाबाद से उर्दू में समाचार पत्र निकाला, जामुल उलूम। वे अंग्रेज शासन की व्यंगात्मक शैली में इतनी खूबी से बखियां उधेड़ते थे कि यह समाचार पत्र बेहद लोकप्रिय हो गया, किंतु शीघ्र ही अंग्रेजों द्वारा अखबार प्रतिबंधित कर दिया गया व 1897 में अम्बा प्रसाद पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 1.5 वर्ष कारावास की सजा सुना दी गई। 1899 में जेल से छूटने के बाद भी ना शैली बदली ना तरीका, फलस्वरूप इस बार 6 साल को जेल भेज दिए गए। 1906 में जेल से छूटे तो इस बार यूपी के स्थान पर पंजाब को कार्यक्षेत्र बनाया और हिंदुस्तान पत्र में 60 रुपये मासिक पर नौकरी करने लगे। इसी दौरान भारत माता सोसाइटी ने पंजाब में न्यू कॉलोनी बिल के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया और सूफी जी समाचार पत्र से त्यागपत्र देकर उस आंदोलन में सक्रिय हो गए तथा सरदार अजीत सिंह के संपर्क में आए। उस समय का एक रोचक प्रसंग है, अजीत सिंह और लाहौर के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के बीच तीखी चर्चा हुई, जिसमें कमिश्नर ने कड़वाहट से कहा, तुम क्या अपने आप को मसीहा समझते हो? यह प्रसंग सुनकर अम्बा प्रसाद जी ने एक पुस्तक ही लिख दी, जिसका नाम था बागी मसीहा। पुस्तक में ईसा मसीह और अजीत सिंह जी में साम्य दर्शाया गया था। यह पुस्तक जब्त कर ली गई। यह वह दौर था जब लोकमान्य तिलक को अंग्रेजों ने खुदीराम बोस के समर्थन में संपादकीय लिखने पर 6 वर्ष के निर्वासन कारावास की सजा सुना दी थी। संभावित गिरफ्तारी से बचने को सूफी जी और भगत सिंह जी के चाचा अजीत सिंह जी बैरागियों के वेश में ईरान पहुंच गए। ईरान में भी अंग्रेजों से विरोध चल रहा था। सूफी जी ने फिर यहाँ बाएं हाथ में कलम थामी और एक अखबार चलाया, आबे हयात। फारसी में भी वे ठीक उर्दू हिंदी व अंग्रेजी की ही भांति लिख सकते थे। सरदार अजीत सिंह भी इस समाचार पत्र में उनके सहयोगी थे, परंतु कुछ दिन बाद वे तुर्की चले गए। किंतु सूफी जी ने ईरान के जन आंदोलन में आगे बढ़कर ऐसा हाथ बटाया कि बड़े पैमाने पर ईरानी लोग उनके दोस्त ही नहीं मुरीद बन गए और अम्बा प्रसाद जी को वे लोग आका सूफी कहकर पुकारने लगे। एक लूला व्यक्ति जो दूर देश में फरार जीवन बिताने को विवश था, उसका यह पुरुषार्थ, उसकी यह लोकप्रियता किसी चमत्कार से कम नहीं थी। सूफी अम्बा प्रसाद और उनके साथी ईरान में ब्रिटिश विरोधी एक सेना संगठित करने में लग गए। इसमें ईरानी युवकों के साथ भारतीय क्रांतिकारी भी शामिल हो गए। 1915 में अंग्रेजों ने शिराज शहर को घेर लिया और अन्य क्रांतिकारियों के साथ अपने इकलौते बाएं हाथ से गोलीबारी करते सूफी अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गए। कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें गोली से उड़ाने का आदेश दिया गया। उस समय अनेक प्रतिष्ठित ईरानियों के डेपुटेशन सरकार के पास गए और उन्हें छोड़ने की मांग की, परंतु ब्रिटिश सरकार ने किसी की नहीं सुनी। अगले दिन सूफी जी को गोली मारी जाने वाली थी, किंतु वे कैद में किंचित भी उदास न थे।
जबकि उनकी मृत्यु के समाचार से उनके ईरानी मित्रों के हृदय दुख से भरे हुए थे। सुबह सवेरे अंग्रेज अफसर और कुछ सशस्त्र सैनिकों ने जब उस भारतीय बंदी की कोठरी का द्वार खोला तो देखा बंदी आराम से दीवार के सहारे बैठा हुआ है। अफसरों ने सैनिकों को आज्ञा दी कि बंदी को बाहर निकाल कर टिकरी से बांध दो, जिससे बांध कर सूफी जी को गोली मारी जानी थी। लेकिन जब गोरे सैनिकों ने बाहर लाने के लिए सूफी जी का हाथ पकड़कर खींचा तो चकित रह गए। उन्होंने देखा कि बंदी का निर्जीव शरीर लुढ़क गया। बैठे बैठे कोई कैसे मर सकता है, अंग्रेजों की समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें भारत की योग साधना का क्या पता था, जो आत्म बलिदानी अपने देश के लिए जीवन भर देश विदेश की खाक छानता फिरा, अपने जीवन का तिल तिल स्वाधीनता संघर्ष को भेंट करता रहा, जिसकी कोई निजी महत्वाकांक्षा अभिलाषा अरमान नहीं थे। देश स्वतंत्र हो, सुखी हो, एकमात्र यही जिसका जीवन मंत्र था। उस सर्वस्व त्यागी योगी को अंग्रेजों के बंदी गृह में स्वेच्छा से प्राण त्याग करने में कौन सी कठिनाई हो सकती थी। लंदन के अन्यायी अत्याचारी शासन को, उस सारे फौज फाटे को अंगूठा दिखाकर यह सूफी स्वतंत्र हो गया। सूफी जी के शव को सफेद कपड़े से ढक दिया गया। कितने ही बंदी जो उनकी जान पहचान के थे शव के पास आए और आखिरी सलाम किया। सूफी जी के परलोक गमन की बात बिजली की भांति शिराज में फैल गई। उनके परिचित बूढ़े बच्चे और जवान ईरानी जेल की ओर भागे अपने प्यारे आका सूफी की एक झलक देखने के लिए। ईरानी जवानों ने जेल की खिड़की पर सर टेक कर सजदा किया, पुकार कर कहा, आका सूफी, हमारे दिलों में भी अपनी जैसी हिम्मत, दिलेरी और मुल्क के लिए कुर्बानी का जज्बा जगाते जाना, हम तुम्हें कभी भूलेंगे नहीं। ईरान तुम्हारी बुलंदी को हमेशा याद करता रहेगा। और सच में आज भले ही भारत में कोई उस सूफी अम्बा प्रसाद को याद करे ना करे, पर ईरान उस तपस्वी को याद करता है। ईरानियों ने शिराज में सूफी की समाधि बना रखी है, जहां हर वर्ष उनकी याद में उर्स का आयोजन होता है। उस दिन ईरानी स्त्री पुरुष और बच्चे उस भारतीय देशभक्त आका सूफी को याद करते हैं, उनकी समाधि पर फूल चढ़ाते हैं। नमस्कार।